हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर आप लोगों के लिए बहुत आसान बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ मैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बड़ी जल्दी बनने वाला है। बारीक बुनाई डिज़ाइन है। देखिए, इसके लिए पहले तो हमने जो स्टिचेस लेने हैं इवन नंबर में, यानी कि जितने फंदे आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए आप उतने ही फंदे कास्ट ऑन कीजिएगा। तो इवन नंबर में फंदे होंगे और फर्स्ट रो हमारी राइट साइड से स्टार्ट होगी, पहली सिलाई सीधी तरफ से। ये हमने जो वूल यूज़ की है 4-ply एक्रेलिक यार्न है और 11 नंबर सिलाई है, 11 नंबर नीडल्स। तो रो वन राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से पहले फंदे को स्लिप करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा इस तरह से आगे लेकर आएंगे और एक फंदा हमने बिना बुने इस तरह से उतार लेना है। देखिए, धागा हमारा इस तरफ है, इसे हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे और अगला फंदा हमने धागा हमारा इस तरफ से घूमते हुए जाएगा और अगला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो ये वैसे तो दो फंदे हैं जिन्हें हमने बार बार रिपीट करना है। धागा आगे करके एक फंदे को स्लिप करेंगे और एक फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे तो धागा घूमते हुए जाएगा। यूं यार्न फॉरवर्ड, स्लिप वन, निट वन, कीप रिपीटिंग दिस टू स्टिचेस। तो ये हम पूरी रो में करेंगे। लास्ट में देखिए, धागा आगे लाएंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे और एच स्टिच को सीधा बुन लेंगे। तो जब हम ऐसे घुमा कर लाएंगे तो यहाँ पे फिर से हमारे ये दो फंदे बन जाएंगे। तो ऐसे हमने ये रो वन कंप्लीट कर लेनी है। रो टू रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब ये देखिए, ये जो हमारा एक फंदा था और ऊपर से धागा घूम कर आ रहा था, इस पर हम इन दोनों फंदों को स्लिप कर लेंगे। जो ये धागा घूम के आया था और फंदा, इन दोनों को स्लिप करेंगे, फिर यूं घुमाकर धागा आगे लाएंगे और अगले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। और यही हम अब पूरी रो में रिपीट करेंगे। देखिए, दो फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ रखकर, फिर धागे को घुमाकर लाएंगे और अगला फंदा उल्टा बुन लेंगे। दो फंदे स्लिप किए, धागा घुमाकर लाए, ये जो फंदा हमने उस तरफ से सीधा बुना था इसी को हम इस तरफ से उल्टा बुनेंगे। फिर से दो फंदे स्लिप, धागा घुमाकर लाए और एक फंदा उल्टा। पूरी रो में ऐसे करेंगे। लास्ट में एक फंदा उल्टे बुनने के बाद एच स्टिच आएगा जिसे हम उल्टा बुन लेंगे। ऐसे हमने ये रो टू कंप्लीट कर ली। अब रो थ्री, तीसरी सिलाई बहुत सिंपल है। पहले फंदे को स्लिप किया, इस एक फंदे को सीधा बुन लिया और ये जो हमने एक फंदे के साथ दो बार धागा घुमाया था, एक बार इस तरफ से और एक बार रॉन्ग साइड से बुनते हुए, इनको हमने तीन का एक कर लेना है, नीट थ्री टुगेदर। फिर एक फंदा सीधा, फिर इन तीन का एक, निट वन, निट थ्री टुगेदर। तो ये हम पूरी रो में करते जाएंगे। एक फंदा सीधा, तीन फंदों का एक। तो ये बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, तीन फंदों का एक। लास्ट में हमारा एच स्टिच रहेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने थर्ड रो, तीसरी सिलाई कंप्लीट की। फोर्थ रो, चौथी सिलाई, सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये हम पूरे सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। तो फोर्थ रो हमने उल्टी बुन ली और ये देखिए, इस तरह से ये हमारा एक जो है पैटर्न बन गया। इसी को अब हमने रिपीट करना है चार रोज को, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। इस बार हम पहला फंदा स्लिप करने के बाद, पहले हमने एक फंदा सीधा बुना था, इस बार हम पहले एक फंदा स्लिप करेंगे। यूं धागा आगे लाकर इस फंदे को स्लिप कर लेंगे और अगले फंदे को सीधा बुनेंगे, यानी कि अब हम उल्टा कर देंगे। जिसे बुना था उसे स्लिप कर रहे हैं और जिसे स्लिप किया था उसे बुन रहे हैं। फिर धागा आगे लाकर एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा। तो पूरी रो में ये करेंगे, एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा। बहुत ही आसान बुनाई डिजाइन है ये, और बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है। देखिए, अब इस फंदे को लास्ट को सीधा बुन लेंगे रॉन्ग साइड से। पहले फंदे को स्लिप किया, इस बार हम एक फंदा पहले उल्टा बुनेंगे जो उस तरफ से सीधा बुना था। ये जो देखिए दो फंदे आ रहे हैं, इसको हमने बिना बुने उतार लेना है। धागा हमारा इस तरफ है, ऐसे बिना बुने उतारा, अब हम धागा इस तरफ से घुमा कर लाएंगे और अगले फंदे को उल्टा बुन लेंगे जो उस तरफ से हमने सीधा बुना था। फिर से देखिए, पहले इन दो फंदों को स्लिप किया, फिर इनके ऊपर से इस तरह से धागा घुमा कर लाए और अगले फंदे को उल्टा बुन लिया। फिर से दो फंदे स्लिप किए, धागा घुमा कर लाए, अगले फंदे को उल्टा। दो फंदे स्लिप, धागा घुमा कर लाएंगे और ऐसे करते हुए लास्ट में एच स्टिच को भी हम उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये फिफ्थ रो, पांचवी सिलाई कंप्लीट की, सॉरी सिक्स रो, छठी सिलाई कंप्लीट की। अब जो है
सेवेंथ रो सातवीं सिलाई पहले फंदे को स्लिप करने के बाद इस बार हमने पहले इन तीन का एक करना है, फिर इस एक फंदे को सीधा बुनना है। तो इसे हम रो थर्ड की तरह ही बुनेंगे, तीसरी सिलाई की तरह ही बुनेंगे। ये देखिए तीन का एक, एक फंदा सीधा नीट थ्री टुगेदर, नीट वन, कीप रिपीटिंग। लास्ट में एक फंदा ये सीधा और एच स्टिच भी हमारा इस बार सीधा आएगा। तो ऐसे हमने ये जो है सेवेंथ रो सातवीं सिलाई कंप्लीट कर ली। एट रो आठवीं सिलाई सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये रो हम पूरी उल्टी बुन लेते हैं। ये हमने उल्टी सिलाई बुन ली और देखिए फ्रेंड्स यही आठ सिलाइयाँ एट रोज ही हमने जो है बार बार रिपीट करनी है। कीप रिपीटिंग दीज एट रोज। तो जब हम इन्हें बार बार रिपीट करेंगे तो ये देखिएगा हमारा ही पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा। बहुत ही सिंपल और आसानी से बनने वाला है, लेकिन बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिखने वाला पैटर्न है। ये देखिए उभरा हुआ सा और छोटे छोटे फ्लावर्स जैसा दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स इस पैटर्न को आप जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बनने वाला और बहुत ही आसान। देखिए बैक साइड से इस तरह से दिखेगा ये। तो इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, इवन आप इससे खाली बॉर्डर्स भी बनाएंगे तब भी ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और जुड़े रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए निटिंग नाइफ। थैंक यू।